हाय गाइस, माय नेम इज साहिल सिंह। एंटी नेशनल गुरमेहर कौर बाय। क्यों, वाई एंटी नेशनल, जानना नहीं चाहेंगे आप? एक 20 साल की लड़की जिसने सिर्फ अपना राइट इस्तेमाल किया, दैट इज राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। चलिए जानते हैं कि इस सब मामले की शुरुआत कहां से हुई। आपको क्या लगता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट रह गया बस एक, या ये सच में एग्जिस्ट कर रहा है? देखिए, किताब में जो बातें लिखी गई है ना, वो बातें हमको एसर्ट करके सोसाइटी में लागू करानी पड़ेगी। अगर हम उसको एसर्ट करके समाज में लागू नहीं कराएंगे तो सिर्फ वो किताबों में ही रह जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जो लोग सड़कों पे उतर रहे हैं बार बार, वो एसर्ट करके उस राइट को, उस टेक्स्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं प्रैक्टिकली। देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे आज अगर हमला है, वो इसलिए हमला है क्योंकि देश की जनता पे हमला है, देश की जनता के रोजगार पे हमला है, देश की जनता के शिक्षा पे हमला है, हर एक पर्टिकुलर लाइवलीहुड पे हमला है। और उस हमले को आगे बढ़ाने के लिए और लोगों की शिक्षा, रोजगार, लाइवलीहुड पे हमला करने के लिए उनको जरूरी है कि विरोध की आवाजों को दबाया जाए। मेरे ख्याल से ये एबीवीपी के जरिए संघ परिवार और मोदी सरकार कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे वाद विवाद की, अभिव्यक्ति की आज़ादी को गुंडागर्दी से कुचल दें, लेकिन उसका उनको शायद इतने ज़बरदस्त रेस्पॉन्स की उम्मीद न रही होगी। और वो हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से डरते हैं क्योंकि वो सोचने समझने वाले, बोलने वाले, सवाल पूछने वाले नागरिकों से डरते हैं। तो उनको डराते रहना हम लोगों को सवाल पूछते हुए, वो लात मारेंगे तो हम बात करेंगे, लातों का जवाब बातों से, ये इसी तरह से चलता रहेगा। एक्सप्रेशन की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो अरुण जेटली जैसे लोग जो है वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे लिमिट होना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ अरुण जेटली से, वो ये तभी क्यों कहते हैं जब कोई एबीवीपी के खिलाफ बोलता है? अभी गुरमेहर पर रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, ये जो आरएसएस के नेता हैं ये जाकर के बोलते हैं कि पिनराई विजयन का सर काट दो, ये कोई, ये लिमिट्स नहीं है क्या? या बीजेपी के एमएलसी हैं प्रशांत परिचारक, वो कहते हैं कि आर्मी वालों की जो बीवियां होती हैं वो अनफेथफुल होती हैं, उस पर कोई लिमिट्स लगाए हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? माने दंगा करवाने का आपको फ्रीडम है लेकिन बाकी लोगों को बोलने का फ्रीडम नहीं है, इस तरह का उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का अंडरस्टैंडिंग है। और ये काफ़ी डेंजरस सिचुएशन है अगर रूलिंग पार्टी का ये समझदारी है फ्रीडम को लेकर के, ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। गुरमेहर ने एक वीडियो डाला और उन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। उसके बाद एक लड़की जो एक शहीद की बेटी है, उनको एंटी नेशनलिस्ट कहना क्या किस हद तक गलत है? आज तो एंटी नेशनल वो किसी को भी कह सकते हैं, मतलब आप सोचना शुरू कीजिए आप एंटी नेशनल हो जाएंगे। देखिए, मतलब गुरमेहर कौर एक 20 साल के स्टूडेंट है, जो डीयू के स्टूडेंट है, डीयू में जो गुंडागर्दी देखा उसने, तो उसने बोल्डली एक स्टेटस लिखा और उसके ऊपर मतलब सारे किरण रिजिजू से लेके सेंट्रल कैबिनेट मंत्री से लेके सारे पूरा ये ट्रोल आर्मी उसके पीछे पड़ गया। मतलब ये दिखाता है इनका घटिया मानसिकता। वो उसके पिछले साल का वीडियो लेके आके, हालांकि वो भी एक मतलब शी इज ऑल्सो अ फौजी की, शी हर फादर हैज डाइड इन आर्मी, और ये लोग जो आर्मी के ऊपर ही अपना दुकान चलाते हैं, हर बात पे आर्मी को लेके आते हैं,
वो गुरमेहर को भी जब नहीं बख्शा तब दिखाते हैं उनका मानसिकता कितना घटिया है। इसी तरह से गुरमेहर के बारे में बोल रहे हैं कि नहीं उनके पिता जो है वो शहीद नहीं थे, ये बोलते हैं कि वो जो है प्रोस्टिट्यूट है, उनके बारे में कैसी कैसी मतलब आपने देखा कि हद दर्जे की गंदी बात है। मैं पूछना चाहती हूँ कि रिजिजू साहब जिन्होंने बलात्कार की धमकियाँ दी गुरमेहर को, या जो आज तक उसके लिए अश्लील भद्दे शब्द लिख रहे हैं सोशल मीडिया में, उनके दिमाग को किसने पोल्यूट किया, ये सवाल आप क्यों नहीं पूछते? मैम ये जो बात बात पे एंटी नेशनलिस्ट कहा जा रहा है, मैम आप इससे कितना सहमत हो? वो छींक दे तो एंटी नेशनलिस्ट, कोई कुछ बोल दे अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच करना एंटी नेशनलिस्ट छोटी छोटी बातों पे, तो मैम आप उस देश में शहीद को भी एंटी नेशनल और टेररिस्ट कहा गया है। शहीद आजम भगत सिंह को UPSC के एग्जाम में टेररिस्ट बोला गया था। तो इस देश में बहुत कुछ बोला जाता है, और मैं समझता हूँ कि संघ के लोग अगर जब आपको देशद्रोही कहते हैं ना, तब आपको प्राउड महसूस होना चाहिए कि देशद्रोही अगर आपको देशद्रोही बोल रहा है मतलब आप सच में देशभक्त हैं। हम तो सोचते मतलब मैं बोल रहा हूँ ना कि आज एंटी रैशनल होना अगर नेशनलिस्ट है तो सोचना एंटी नेशनल होगा, और वही करा जा रहा है। ये जो प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो क्या प्रोटेस्ट अल्टीमेट सॉल्यूशन है हर चीज का, या फिर ये सिर्फ हाईलाइट करने के लिए अपनी चीजों को? अल्टीमेट सॉल्यूशन तो है आप सरकार बदलिए, मोदी जी को जो है आप भेज दीजिए वापस गुजरात, तो उसका सॉल्यूशन तो वही है, तभी जाके हालात देश में ठीक होंगे। ये लगता है आपको ये जल्दी ठीक होंगे या अभी बहुत टाइम लगेगा? 2019 है, 2018 है, सब है, देखते हैं आगे क्या होता है। प्रोटेस्ट अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं होता है, लेकिन जब आपके अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं तब आपको प्रोटेस्ट करना पड़ता है। इसलिए हम लोग नारा लगाते हैं, लड़ो पढ़ाई करने को, पढ़ो समाज बदलने को। देखिए अगर हम विरोध करेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, अगर हम विरोध करना बंद करते तो वो हमको बिल्कुल आज मारने पे तुला है। मेरे ख्याल से प्रोटेस्ट लोग सोचते हैं जैसे वो कोई अलग सी कोई चीज हो। मैं कह रही हूँ आप तो प्रोटेस्ट तो तब भी करेंगे जब आपने क्लासरूम में बैठ करके आप कहेंगे कि जो हम अपनी क्या पढ़ाई करेंगे क्लासरूम में वो कोई और नहीं तय करेगा, वो हमारे टीचर और हम मिलकर के तय करेंगे, ये भी एक रेजिस्टेंस है। लेकिन ये सड़क पे रेजिस्टेंस भी जरूरी है, क्योंकि गुंडों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया था, कह दिया था कि आप नहीं निकल सकते, आप यूनिवर्सिटी कैंपस में सेमिनार नहीं कर सकते कॉलेजों में, तो कॉलेज भी हमारे हैं, सड़क भी हमारे हैं कहने के लिए। मेरे ख्याल से फाशीवाद के खिलाफ सड़क पे उतरना, अगर 1930 में जर्मनी के नागरिक ज़्यादा निकलते ऐसे तो शायद हमें फाशीवाद देखने को न मिलता, हमें भारत में बिल्कुल निकलना होगा, ज़्यादा निकलना होगा। तो आपको क्या लग रहा है मीडिया अपना काम ढंग से कर रहा है? लेकिन मीडिया तो अभी रूलिंग पार्टी का बिल्कुल एक स्पोक्स पर्सन बन के काम कर रहा है, और वो उस वजह से क्योंकि बहुत सारे मीडिया हाउसेस को ओनरशिप में अगर आप देखें तो वही कॉर्पोरेट घराने हैं जो सरकार को भी चला रहे हैं। सरकार और संघ का जो ये गंदा राजनीति है इसको ही लागू करने का कोशिश कर रहा है, मीडिया ट्रायल चला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, लोगों के खिलाफ लोगों को बड़गला रहे हैं, डिविजन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, तो ऑब्वियसली वो एक बिका हुआ सेक्शन है मीडिया का। तो मैम आपको क्या लगता है कब जाके कुछ सॉल्यूशन आएगा इसका, कब जाके खत्म होगा ये? हमले बंद होंगे, विरोध बंद हो जाएगा, ऐसी लड़ाइयाँ अगर हम करते रहेंगे स्टूडेंट का अटैक अगर बढ़ता गया तो प्रोटेस्ट भी बढ़ता रहेगा। शांति तो सारे लोग चाहते हैं, लेकिन वो मतलब कब्रिस्तान की शांति ना हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शांति का मतलब जस्टिस होता है, शांति का मतलब इक्वलिटी होता है, ये सारी चीजों के लिए लड़ाई है, तो जितना असॉल्ट बढ़ेगा उतना लड़ाई भी आगे होगी। कहा ना लात का जवाब बातों से लात का जवाब बातों से, हम लात नहीं मारेंगे लेकिन लात वो मारेंगे तो उनका बातों से जवाब होगा, लेकिन बातों को वो यूनिवर्सिटी के कैंपसों में और हमारे देश में बंद नहीं कर पाए। इस देश में जब तक ये सरकार रहेगी उनका जो बगल बच्चा है ABBP वो इस कॉन्फिडेंस में है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तो देखते हैं कब तक यह सरकार रहती है और कब तक जो है इनके बगल बच्चों की जो है गुंडागर्दी रहती है। सीनियर मोदी रोड शो करते हैं ठीक है, और जूनियर मोदी जो है कैंपस में मारपीट का शो करते हैं, तो देखिए जब सीनियर मोदी हटेंगे तो जूनियर मोदी अपने आप पैक हो जाएंगे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, वो नाराज क्यों, वो नाराज क्यों, वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं, वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, वो डरते हैं जिंदगी से, वो डरते हैं मौत से, जनता की चेतना से डरते हैं, वो डरते हैं।
के इंकलाब से, वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं, वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं, वो हमारे गीत क्यों रोकना चाहते हैं, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया, खामोशी तोड़ो वक्त आ गया।